सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई सौरभ और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। और आज की वीडियो जा रही है इग्नू के स्टूडेंट्स के ऊपर। सबको इंसाफ मिल गया, डीयू के स्टूडेंट को इंसाफ मिल गया, एनओएस के स्टूडेंट को इंसाफ मिल गया, सीबीएसई के स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल गया। क्या इग्नू के बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या इग्नू के स्टूडेंट्स को इंसाफ नहीं मिलेगा? आज इसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, पूरी न्यूज दूंगा, क्या अपडेट आई है, हर एक खबर दूंगा आपको और कैसे आपको क्या करना है आगे, हर एक चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आके सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे और अपने फ्रेंड्स में शेयर करे। सो जैसा कि आपको पता होगा कि डीयू के एग्जाम अब ऑनलाइन बेस पर हो रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छा डिसीजन है। एग्जाम भी कंडक्ट हो गया और एक सेकेंड बच्चों की लाइफ पे खतरा भी नहीं पड़ा। मतलब एग्जाम भी कंडक्ट हो गया और बच्चों की लाइफ पे खतरा भी नहीं पड़ा। कैसे? बच्चे घर में रह के ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, बाय नेट इंटरनेट, बाय फोन दे रहे हैं पेपर, तो उनसे उनकी लाइफ पे खतरा नहीं है। हम क्यों अपनी मांग आगे बढ़ा रहे थे, क्यों अपनी मांग यूजीसी तक पहुंचा रहे थे, क्यों अपनी मांग हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा रहे थे कि वो समझ जाए कि स्टूडेंट की लाइफ से खेलना सही बात नहीं है। इस टाइम में पेपर कंडक्ट नहीं होने चाहिए, बट अब ऑनलाइन कंडक्ट करवाते हैं पेपर तो भी अच्छा है, हम इस बात को खराब नहीं कहेंगे। तो क्या इग्नू के बच्चे कोई भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्यों उसी दिन इग्नू के बच्चों के लिए ये मतलब बात नहीं कह दी गई कि आपको अभी ऑनलाइन पेपर देने हैं या आपके पेपर नहीं होंगे? कुछ भी एक या ना एक एक चीज आप कह दीजिए, क्यों उनकी बात आगे टाली जा रही है? मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, आपको ट्रेंड चलाना पड़ेगा। एक और मैं बोलूंगा, आपको ट्रेंड चलाना पड़ेगा ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपको हर एक जगह अपनी मांग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यूजीसी नहीं मान रही है, यूजीसी के दिमाग में समझ नहीं आता कि बच्चों की लाइफ खतरे में नहीं डालना है, बच्चों की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर वो नहीं समझ रही है। 18 तारीख को फिर से कोर्ट में फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, देखते हैं क्या फैसला आता है। मगर उस फैसले से पहले आप अपनी मांग, कल मतलब फैसला है आपका 18 तारीख कल ही है, आज आप इतनी मांग अपनी बढ़ाइए, इतनी मांग बढ़ाइए कि कल का डिसीजन में ये हो कि आपके पेपर नहीं होंगे या ना तो आपका पेपर ऑनलाइन कंडक्ट बेस करवाया जाएगा। ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है, बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, बच्चों की लाइफ पे खतरा नहीं पड़ेगा, उनके हेल्थ पे खतरा नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपके पेपर भी हो जाएंगे और आपके हेल्थ पे भी खतरा नहीं पड़ेगा। डीयू के स्टूडेंट के भी पेपर चल रहे हैं, बट इग्नू के क्यों नहीं चल रहे? इग्नू के बच्चे क्या बच्चे नहीं है? क्या उनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता? बताइए आप मेरे को, मैं यूजीसी से क्लियर शब्द में पूछना चाहूंगा कि इग्नू के बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता, वो कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकते? सारे जगह के बच्चे एक जगह सेंटर पे आएंगे और पेपर होगा तो क्या होगा, आप बताइए, सही होगा ये बात? नहीं होगा सही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपनी मांग आगे बढ़ाइए, यूजीसी को समझाओ, सुप्रीम कोर्ट को समझाना पड़ेगा। हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम ये नहीं कहते कभी खराब करते हैं, बट हम बता रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं एक तरीके से कि आप प्लीज पेपर कंडक्ट नहीं करवाइए इन द बाहर जाके, मतलब देना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, वो नहीं करवाइए, आप ऑनलाइन बेस कंडक्ट करवा लीजिए पेपर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पेपर देने से दिक्कत नहीं है, हमें बाहर जाके पेपर देने से दिक्कत है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ भी देखनी पड़ेगी। मैं आपकी लाइफ बचाऊंगा बच्चों, आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक भी करना। इससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं आप, आपके लिए हम इतना करते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं लाइक करना है, ओके? अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो जिससे उनको भी पता चले कि कैसे ट्रेंड चलाना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अभी ट्रेंड चलाना है। अपनी जितनी आईडी आपकी है, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, आजकल सबकी आईडी होती है, इस पे ट्विटर की नहीं रहती, आप ट्विटर पे लॉगिन कर लीजिए, टैग करिए यूजीसी को, सुप्रीम कोर्ट, सबको, बड़े बड़े मिनिस्टर को टैग करिए, एचआरडी मिनिस्टर को टैग करिए, सबको टैग करके आप अपनी पोस्ट को आगे बढ़ाइए, आप अपनी मांग को आगे बढ़ाएंगे, आप ही अपनी लड़ाई खुद जीतेंगे। मैं क्लियर कर दूं, आप ही अपनी लड़ाई खुद जीतेंगे। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपको ट्रेंड चलाना पड़ेगा और वो ट्रेंड आप खुद चलाएंगे। सो अभी तक जिन्होंने भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आके लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड तब तक के लिए थैंक यू।